बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पारसा के चैनल में वेलकम करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी ऐसी ब्यूटी टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी स्किन अगर बहुत ही ज़्यादा ऑयली है, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो बस ये सिर्फ दो चीज़ें आपकी स्किन को इतना खूबसूरत बना देंगी और आपकी स्किन के ऑयल सारे ख़त्म कर देंगी। जी हाँ, एलोवेरा और खीरा आपने वैसे भी तो इस्तेमाल किया, लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगी वो सबसे ज़बरदस्त और यूनिक तरीका है। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और स्टेप बाई स्टेप देखते रहें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने क्यूकम्बर जो है ना वो ले लेना है और उसको हमने क्रश कर लेना है। क्रश करके आपने देखे जिस तरीके से मैं आपको क्रश कर रही हूँ, आपने इस तरह क्रश कर लेना है। आपने इसका रस नहीं निकालना, आपने इसको इस तरीके से क्रश करना है। अब आपने करना क्या है, आपने इसको जो है ना वो इसी तरीके से जो है ना इसको हल्के हल्के हाथों की मदद से ऐसे मिक्स कर लेना है। खीरा आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, यह आपके ऑयल को बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन के ऑयल को ख़त्म कर देगा। इसके बाद आपने इसमें एलोवेरा डालना है। एलोवेरा जेल जो मार्केट से मिलती है आपने वो बिल्कुल भी नहीं लेनी, आपने फ्रेश एलोवेरा लेनी है, क्योंकि आपने नेचुरल अपनी स्किन का ऑयल ख़त्म करना है। आपने इस तरीके से फ्रेश एलोवेरा ले लेनी है और उसको आपने क्रश करके जितना भी इसका ये प्लम्प है यह आपने बीच में ऐड कर लेना है। मैं आपको 100% गारंटी देके बोलती हूँ कि आपके स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है वो इस दोनों चीज़ों से ख़त्म हो जाएंगी। आपने कि स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल है तो वो ऑयल ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और ऑयल होने की वजह से जो पिंपल और आपकी स्किन डल हो जाती है, सांवली पड़ जाती है, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से चिपचिपाहट होती है, बहुत ही ज़्यादा एलर्जी शुरू हो जाती है, ख़ारिश लगने लगती है। सिर्फ इस एक टिप से सारी प्रॉब्लम हल हो जाएंगी। तो आपने करना क्या है, इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपके पास अगर जो है ना आप इस तरीके से भी फेस पे लगा सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा गुलाब का अर्क ऐड करके इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है। इतना ज़्यादा फेंटना है कि ये दोनों यकजान हो जाए। फिर आपने करना क्या है कि इन दोनों को आप अपने फेस पर इसी तरह भी अप्लाई कर सकते हैं और जो बाकी बच गया है आपने उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देना है। जो आपके पास अक्सर वो जो है ना आपके पास होती है फ्रीज़र में छोटी छोटी डब्बियों में मिलती है, आपने उनमें ये डालकर इसको छोटे छोटे से वो बॉल से बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देना है। और जब आप गर्मी में बाहर से वापस आए और आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल होया हो, बहुत ही ज़्यादा आपकी उलझन लग रही हो, फ़ौरन से आपने ये निकाला और अपने फेस पे लगाया, इतना ज़्यादा ठंडा महसूस होगा कि आपको खुद हैरान रह जाएंगे और आपकी स्किन के सौरा ऑयल ख़त्म हो जाएगा, आपकी स्किन के पिंपल, रिंकल्स, आपके सांवलापन, आपके ब्लैक हेड्स के सब रिमूव होना शुरू हो जाएंगे और आपका समर बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुजर जाएगा और आपकी स्किन निखरी रहेगी। तो ये थी मेरी प्यारी सी वीडियो। अगर आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो जाननी तो मुझे फॉलो करें। मिलती हूँ न्यू वीडियोज़ में। पारसा को दी इजाज़त, बहुत सारे दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।